मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे उठती हूँ, उठ के सब लंच बनाती हूँ, बच्ची का सब करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आयजा खान की डेली रूटीन के बारे में बताऊंगी। वो तकरीबन सुबह 6 बजे उठती हैं, उनकी मॉर्निंग सुबह 6 बजे हो जाती है, उसके बाद वो अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाती हैं, उनका लंच बनाती हैं, बल्कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी खुद ही छोड़ने जाती हैं। कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 7 o'clock को मैं उसका लंच प्रिपेयर करके, खाना प्रिपेयर करके मैं उसको जाती हूँ छोड़ने, स्कूल भेज के फिर मैं जाती हूँ। आयजा खान ने अपने बच्चों का स्केड्यूल फुली प्लान किया होता है। वो अपनी शूटिंग पे कितनी ही बिजी क्यों ना हो, उन्होंने अपने बच्चों के लंच का, उनके डिनर का, उनके स्कूल के पिक एंड ड्रॉप का सब बिल्कुल अरेंज किया होता है। करवाती हूँ उनके दिन का खाना है, फिर उनका बीच का भी एक खाना है, फिर रात में भी है, सो वो सब चलता रहता है कि फिर मेरी अम्मा पिक करेंगी उसको, कौन करेगा, सब मुझे पता होता है फोन पे क्या हो रहा है। ना सिर्फ अपने बच्चों का बल्कि वो अपने हस्बैंड का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। उनके हस्बैंड की शूटिंग के दौरान भी वो उनसे पूछ कर उनकी पसंद का बिल्कुल फ्रेश खाना उनकी शूटिंग पे भिजवाती हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो घर का हेल्दी खाना, दानिश का भी सारा मुझे पता होता है, मैं शूट पे होती हूँ, क्या खाना है आपने, क्या भेजूं घर से, क्या भेजना है, तो सारी चीजें मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ। आयजा खान शूटिंग पे अपना 100% देती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने घर में सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हुआ है, इसलिए उन्हें इस बात की टेंशन नहीं होती। वो बार बार फोन भी यूज नहीं करती, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी शूटिंग करती हैं, और यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी कभी शूट पर नहीं लेकर आती, वो काम के वक्त सिर्फ काम ही करती। अगर मैं सेट पे हूँ तो ये नहीं कि मैं हर वक्त फोन पे हूँ, मैं स्क्रिप्ट अपनी पढ़ूंगी, आपको पूरे रिहर्सल करूंगी साथ बैठ के, मैं कभी भी काम के बीच में नहीं करती, बिकॉज मैं उसको पहले सेट पे आ चुकी होती हूं, बच्चे सेट पे नहीं लाती। इनकी लाइफ इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसका क्रेडिट इनकी माँ को भी जाता है। जो इनकी मदर है वो इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये अपनी मदर की बहुत ज्यादा लाडली है, और जब वो शूट पे होती है तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कोई बेबी सिटर नहीं रखी हुई, बल्कि उनकी जो मदर है वही उनके बच्चों की टेक केयर करती हैं। हमने 10 o'clock सोना है, खाना मैं ही पकाती हूँ, हाँ। या मेरी अम्मा को मैं बोलती हूँ आपने बनाया, मेरी अम्मा माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती है। आयजा पाकिस्तान की वो हीरोइन है जिनके बारे में सारी इंडस्ट्री सिर्फ तारीफें ही करती है, और सब इनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा इनको अच्छे लफ्जों में ही याद करते हैं। कहते हैं बहुत खुशी मुझे महसूस होती है कि शी इज सच अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वुमन जो अपने घर को भी संभालती है, बच्चे भी देख रही है, अपने आप को भी इतना फिर संभाला, प्रोजेक्ट भी अच्छे चुन रही है, अपने बच्चों को भी संभालती है, काम भी अच्छा कर रही है, सब दिल से काम कर रही है। ऐसा किसी चीज में बुरी नहीं होती, इतनी डिसिप्लिन और इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बहुत कम एक्टर्स में देखी, एंड साथ में काम भी कर रही है, हर चीज में जो है वो हर फन मौला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस भी जगह में जाती हूँ मुझे होता है कि वहाँ सबसे बेस्ट, सुबह 8 बजे उठना, ये करना, ये करना, ये करना, सारी चीजें ऑर्गेनाइज, कोई शक नहीं है। आयजा खान कहती हैं कि वो जिम बहुत कम जाती हैं और उन्हें जो कैलोरीज बर्न करनी होती हैं वो कैलोरीज वो डांस के थ्रू बर्न कर लेती हैं, क्योंकि उनको डांस का बहुत ज्यादा शौक है और वो डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। तो यानी कि वो अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत अच्छी डांसर भी हैं। मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ और एक्चुअली मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मैं डांस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा डांस आता है। तो ये थी आयजा खान की सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की रूटीन। आई होप इनकी इस रूटीन ने आप सबको बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया होगा, स्पेशली वर्किंग वुमन को, कि वो अपना घर और अपना जो काम है उनको इकट्ठा कैसे बैलेंस कर सकती हैं। और अगर आपके पास भी कोई अच्छे आइडियाज हैं कि हम अपने रूटीन को कैसे मैनेज करें स्पेशली वर्किंग वुमेंस के लिए, तो अपने आइडियाज आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।